सेवन्थ मैथमेटिक्स इंटीजर चैप्टर वन एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ गए। मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने डिपॉजिट यानी होता है जमा कराना। मोहन ने 2000 रुपीज़ अपने बैंक में जो अकाउंट है उसके अंदर जमा कराए एंड विड्रॉस RS 1642 और बाद में उसने विड्रॉ कर दिया। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। उसने निकाला 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन उसने अपने अकाउंट से 1642 रुपीज़ क्या कर दिए, विड्रॉ कर दिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाई नेगेटिव नंबर, अगर हम बोल रहे हैं कि पैसा जो निकाला है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो जमा किया हुआ अमाउंट है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर निकाला हुए अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर बोल रहे हैं तो जमा कराए हुए अमाउंट को हम किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा द अमाउंट डिपॉजिट इज पॉजिटिव इंटीजर। तो जमा करने वाले को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो जब पैसे निकाल लिए उसके बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है। तो सबसे पहले उसने कितना डिपॉजिट कराया, उसने कितने अमाउंट को डिपॉजिट कराया, तो कितने अमाउंट को डिपॉजिट कराया उसने, 2000 रुपीज़ को, और 2000 क्या है, हमने ले लिया डिपॉजिट। उसके बाद उसने कितना विड्रॉल कराया यानी विड्रॉल कराया वो है ₹1642। उसने 1642 रुपीज़ क्या कराया, विड्रॉल कराया। वैसे देखा जाए तो हमारे लिए सिंपल है कि 2000 जमा कराए और इतना निकाल दिया, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्रैक्ट कर देंगे और माइनस करते हैं, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर बोल रहे हैं, अगर माना कि ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है और जो जमा कराया वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो फिर मोहन अकाउंट्स बैलेंस, तो हमें क्या निकालना है, मोहन के अकाउंट का क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, 2000 लिखेंगे जो उसने डिपॉजिट कराया, और उसके बाद जितना उसने डिपॉजिट कराया उसमें हम प्लस कर देंगे। किसको प्लस कर देंगे, माइनस के 1642 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नहीं होता तो हम इन दोनों को वैसे ही क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। तो अब क्या आ जाएगा, 2000 माइनस 1642, और अब हम 2000 में से क्या करेंगे, 1642 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैरिंग लेंगे, या 10 आ जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, इधर 9 रह जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, इधर भी 9 रह जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3। तो कितना उसके अकाउंट में बैलेंस रह जाएगा, रुपीज़ 358। तो ये उसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। और जो उसने निकाला वो तो हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, और जो जमा कराया वो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। और उसके बैलेंस निकालने के लिए हम दोनों को नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। तो हम देख रहे हैं रीटा क्या जा रही है, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है। डायग्राम बना हुआ है ए पॉइंट से, और वो कहाँ तक जा रही है, बी पॉइंट तक, और ये कितना है, 20 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ जा रही है। शी मूव्स 30 किलोमीटर वेस्ट अलोंग द सेम रोड, और उसके बाद वो उसी रोड से बी से वापस कहाँ जा रही है, 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रही है। अब ये यहाँ से कहाँ जा रही है, 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रही है, ये हमने देख लिया 30 किलोमीटर। मान लो ये कहाँ पे, किसी पॉइंट सी पे आ गई। इफ़ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज़ रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये बोल रहे हैं जो ये ईस्ट की तरफ गई है उसको हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर यानी प्लस वाला इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट। तो फिर वो वेस्ट की तरफ गई, तो फिर हम उसको कौन सा इंटीजर
मानेंगे। तो अगर ईस्ट की तरफ गई उसको पॉजिटिव माना है, तो हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो उसको अपोजिट डायरेक्शन है यानी डायरेक्शन चेंज है तो हम उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव इंटीजर। तो फर्स्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट इज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर, यानी जो वेस्ट की तरफ गई है उसको हम क्या मान लेंगे, नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। अब उसकी जो फाइनल पोजिशन है वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले वो कहाँ गई, ईस्ट की तरफ, कितने किलोमीटर गई, 20 किलोमीटर लिख दिया हमने। फिर वो कहाँ गई, वेस्ट की तरफ, कितने किलोमीटर गई, 30 किलोमीटर, लेकिन क्या है, नेगेटिव, क्या है, माइनस 30। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि अब उसकी फाइनल पोजीशन निकालनी है हमें, फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, कहाँ से उसकी फाइनल पोजीशन निकालनी है, ए से हमें उसकी क्या निकालनी है, फाइनल पोजीशन निकालनी है। अब ईस्ट में गई 20 किलोमीटर, फिर वेस्ट में गई 30, लेकिन क्या है, माइनस 30। अब उसकी हमें फाइनल पोजीशन निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस, 20 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 30, और 20 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस 30 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 30 में से 20 गया तो 10, लेकिन बिगर नंबर माइनस का, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस 10 किलोमीटर। तो ये जो कितने किलोमीटर गई वो ए से अब कितनी दूर है, ए से कितनी दूर है अब वो 10 किलोमीटर, कितने दूर है, 10 किलोमीटर। और ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। अगर प्लस होता तो वो कौन से डायरेक्शन में होती, ईस्ट में होती, लेकिन ये माइनस का 10 आया तो ये 10 किलोमीटर तो ए से ही कितनी दूर है अभी, 10 किलोमीटर। और जो इसके यहाँ माइनस साइन लग रहा है ये क्या बता रहा है कि ये कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में